फाइनली फिलिप फोन भी बजट में आने लगे हैं और 50,000 के अंदर आप लोगों को टेक्नो फैंटम भी फिलिप देखने के लिए मिल जाता है। इस फोन में आप लोगों को 6.9 इंच का एमुलेट LPTO डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं चिपसेट के बारे में बात करूँ तो इसमें आप लोग को मीडियाटेक का 8050 चिपसेट देखने के लिए मिलता है और 64 मेगापिक्सल का कैमरा, जैसे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्पेक्स आप लोग को इस फोन में देखने के लिए आप लोग को मिल जाता है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सा स्पेक्स आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। टेक्नो फैंटम भी फिलिप आप लोग को प्रीमियम देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बैक का बारे में बात करूँ तो आप लोग को लेदर फिनिश आप लोग को देखने के लिए मिलता है। असल में ये वीगन लेदर नहीं है, ये एक्चुअल में रियल लेदर है। और अगर मैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो आप लोग को बैक प्लास्टिक देखने के मिलता है और फ्रेम आप लोग को एल्यूमिनियम का देखने के मिलता है। अगर मैं हिंस के बारे में बात करूँ तो आप लोग को स्टील का देखने के लिए मिलता है और 194 ग्राम का वेट देखने के लिए आप लोग को मिल जाता है। पोर्ट एंड बटन के बारे में बात करूँ तो आप लोग को नीचे के साइड माइक स्पीकर और टाइप सी पोर्ट आप लोग को देखने के लिए मिलता है। अगर मैं राइट हैंड साइड के बारे में बात करूँ तो आप लोग को साइड फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम अप डाउन बटन आप लोग देखने को मिलता है। ऊपर के साइड आप लोग को माइक देखने के लिए मिलता है। इसका अगर मैं लेफ्ट साइड के बारे में बात करूँ तो उसमें आप लोग को सिंगल नैनो सिम ट्रे आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। डिस्प्ले साइज के बारे में बात करूँ तो 6.69 इंच का फोल्डेबल LPTO एमुलेट डिस्प्ले आप लोग देखने के लिए मिल रहा है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। ओवर स्क्रीन के बारे में बात करूँ तो 1.32 इंच का एमुलेट डिस्प्ले आप लोग देखने के लिए मिल जाता है, जिसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है और 120 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट आप लोग को देखने के लिए मिलता है। अगर मैं पिक ब्राइटनेस के बारे में बात करूँ तो 800 निट्स का आप लोग को पिक ब्राइटनेस आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो मीडियाटेक डायमंडसिटी 8056 NM चिपसेट देखने के लिए मिलता है। अगर मैं अनटूटू स्कोर के बारे में बात करूँ तो 7 लाख+ आप लोग को अनटूटू स्कोर देखने के लिए मिलता है। मीडियम टू हाई सेटिंग में आप लोग गेमिंग कर पाओगे। LPDDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँ तो iOS 13.5 एंड एंड्रॉइड 13 आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं अपडेट के बारे में बात करूँ तो आप लोग को 2 ईयर्स का OS अपडेट और 3 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूँ तो आप लोग को स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है, HDR10+ का सपोर्ट और वाइडलाइन L1 का सपोर्ट आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। आप लोग YouTube में 4K HDR में वीडियो को प्लेबैक कर पाओगे। मैं नेटफ्लिक्स और प्राइम के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे आप लोग HDR में वीडियो को प्लेबैक नहीं कर पाओगे। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो डुअल 4G सिम सपोर्ट, 5G सपोर्ट और 14.5G बैंड आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। ब्लूटूथ 5.1, वाईफाई 6 और NFC भी आप लोग देखने के लिए मिल जाता है और भी सभी सेंसर्स का सपोर्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं सेल्फी के बारे में बात करूँ तो आप लोग को 32 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने के लिए मिल जाता है। बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में बात करूँ तो 4000 mAh का बैटरी और 45W का चार्जिंग आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। 15 मिनट में 50% चार्ज कर देता है। प्राइस एंड वेरिएंट के बारे में बात करूँ तो 8GB 256GB आप लोगों को 50,000 rupees में देखने के लिए मिलने वाला है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए कि आपको यह फोन कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट से कमेंट करके बताइए। और ऐसे वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।